नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बिहार के बारे में बात करने वाला हूँ। बिहार के इतिहास को तीन कालखंडों में बांट कर देखा जा सकता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, नवीन इतिहास। बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित एक विशेष राज्य है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र राज्य है। या फिर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के बिना भारत अधूरा है। बिहार की पावन भूमि पर अनेक संतों का जन्म हुआ है। इसी पावन भूमि पर दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो कि बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में स्थित है। बिहार के ही पावन भूमि पर अशोक, अजाद शत्रु, बिंबिसार और अन्य बहुत सारे राजाओं का जन्म हुआ है। दोस्तों, आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म बिहार में ही हुआ है। सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार के राजधानी पटना में हुआ है। आज भी भारत के सबसे ज्यादा IPS दरोगा DM बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन लगातार विदेशियों के आक्रमण और घटिया राजनीतिक के कारण बिहार भारत के सबसे गरीब पिछड़े राज्यों में से एक हो गया है। विश्व में शिक्षा के केंद्र का गौरव प्राप्त करने वाले इस राज्य में साक्षरता दर अन्य राज्यों से कम हो गई है और रोजगार ना मिलने के कारण बिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य बिहार, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड स्थित है। दूसरे राज्य के लोगों का कहना है कि बिहार के लोग, बिहार के अस्थायी निवासी बहुत मेहनती होते हैं। वे अपने दम पर कोई भी काम करते हैं तथा वह स्वाभिमानी होते हैं। प्राचीन काल से विश्व का गौरव कहे जाने वाले बिहार में वर्तमान साक्षरता दर बहुत कम है, लेकिन परिस्थितियां बदल रही है और साक्षरता दर बढ़ रही है। यहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है तथा कृषि यहां के लोगों की मुख्य जीविका है। दोस्तों, सन 1936 और 2000 में उड़ीसा और झारखंड के अलग हो जाने से बिहार ने कृषि के दम पर अपने बिहार को उन्नति की है। IT, UPSC जैसे कठिन परीक्षाओं में लगभग हर बार बिहार के प्रतिभागी अव्वल होते हैं। इनकी बढ़ती निष्ठा और गौरवशाली इतिहास बिहार को एक बार फिर से अनोखा विकसित बनाएगा। बिहार का प्राचीन नाम मगध है, जिसकी राजधानी प्राचीन में राजगीर था, जिसका नाम ऐतिहासिक नाम राजगीर ही था। दोस्तों, बिहार की नवीन राजधानी पटना के ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र था। जय हिंद, वंदे मातरम।